नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं रविंद्र आपके साथ बना हुआ हूँ, आपके साथ होम गार्डन पे। और ये सामने इंग्लिश गुलाब का एक पौधा है, वैसे हम नर्सरी से लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं ये। और आज हम इसे ग्राउंड में लगाएंगे, ज़मीन पर। तो जनरली ग्राउंड पे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी लेकिन मोटी महत्वपूर्ण, तो वही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जिस मिट्टी में आप लगाएं, वहाँ ये देख लें कि इस पौधे को फैलने के लिए जगह हो। दूसरी बात, धूप अच्छी तरह आती हो, कम से कम 4-5 घंटे उसे धूप मिल सके। इंग्लिश गुलाब के साथ ये थोड़ा सा है कि अगर धूप कम रही तो फिर आपके जो फ्लावर हैं वो उतने बढ़िया नहीं होंगे। तो चलिए हम एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा तो आप सभी खोद ही लेते होंगे। ये हमने एक खड्डा खोद लिया है, और गड्ढा आप जो आपका ये प्लांट है, इसकी जो मिट्टी है, ये देखिए, इससे दूनी गहराई में खोदें, यानी कि इसके ऊपर एक और इतना ही बड़ा हम प्लांट जैसे लगा सके। दूसरी बात, ये नीचे यहाँ पर ठोस मिट्टी की जगह हल्की सी आप मिट्टी को और खोद दें, और ऐसे ही से छोड़ दें। ठोस ज़मीन नहीं होनी चाहिए पौधे के नीचे। पौधा, लेकिन उससे पहले सही तरीका यह है कि इसमें सबसे पहले रेत होनी चाहिए, बालू मिट्टी, जो नदी की रेत है। अगर वो रेत ना हो तो फिर आप क्या कीजिए, आप कुछ ये देखिए टुकड़े हैं ईंट कंकड़ के, ये डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो ठोस मिट्टी है वो ठोस नहीं बनेगी, और उसके बाद गुलाब जो है काफ़ी अच्छे फूल देता है, लेकिन वो फूल तभी अच्छे देगा जब आप उसमें खाद का अच्छा उपयोग करेंगे। ये गोबर खाद है, और इसे नीचे हल्का लगाएं। और उसके बाद अगर आप शहर में हैं तो नीम की खली का प्रयोग करें, और गांव में हैं तो आप राख का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हल्की मिट्टी, और ये हमारा प्लांटेशन के लिए गड्ढा तैयार हो गया। और उसके बाद इस पॉलीथीन को फाड़ना। बहुत से लोग केवल यहाँ से इसे हटा देते हैं, ऐसा करना गलत है। ये पूरी तरीके से बिल्कुल साफ़ आपको करना चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है। पौधे की ग्रो तभी होगी जब आप पॉलीथीन को बिल्कुल जो है हटा देंगे, साफ़ कर देंगे, और उसके बाद हल्के हल्के इसकी, आप देख रहे हैं, इस मिट्टी को आप बहुत हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे इसकी जो रूट हैं वो थोड़ी सी बाहर आ जाएं। आप ये देख पा रहे हो, ये नॉर्मली आप सभी पौधों के साथ कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं या पॉट में लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पौधे की जड़ें हैं वो तुरंत आपकी मिट्टी को एक्सेप्ट कर लेंगी, और जो आपका पौधा है जो एक सप्ताह में सेट होने वाला था वो लगभग 3 से 4 दिन में ही सेट हो जाएगा। बैलेंस थोड़ा ध्यान रखें, और उसके बाद पहले आप अपने गार्डन की ही नॉर्मल मिट्टी डालें, और उसके बाद फिर हल्की खाद, गोबर खाद ही यूज करें। बहुत से मेरे दोस्त रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि उनके फ्लावर अच्छे नहीं आ रहे। जब आपकी फ्लावरिंग हो रही है उस समय आपने अगर रासायनिक खादों का प्रयोग किया है तो हो सकता है कि आपके फ्लावर की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, लेकिन जब वो फ्लावर चले जाएंगे और फिर दोबारा फ्लावर का समय आएगा तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो फ्लावर हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप शिकायत करेंगे और कहेंगे कि हमारे फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वालिटी आप नेचुरल खाद से, ऑर्गेनिक
प्राकृतिक खाद से प्राप्त कर सकते हैं फूलों में, वो आप रासायनिक खादों से नहीं पा सकते। ये देखिए, ये हमने आज एक इंग्लिश गुलाब का पौधा अपने ज़मीन पे लगा दिया है। और इसमें आपको पानी आज अच्छी तरीके से दे देना है। फर्स्ट टाइम में आप अपनी मिट्टी की क्वालिटी थोड़ी चेक कर लें, सूखी हुई है तो बिल्कुल इसे आप भर दें। इससे क्या होगा कि जो रूट हिल भी गई होंगी तो वो अच्छी तरीके से आपकी सेट हो जाएंगी। ये लीजिए दोस्तों, हमारी जो प्लांटेशन थी रोज़ की वो कंप्लीट हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्लांट लगाने का एक तरीका मिला होगा। तो प्लांट लगाने का जो तरीका है उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, हर गार्डनर का एक अलग तरीका हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं। खड्डा पौधे की जो जड़ है उससे लगभग दूना बनाना चाहिए। दूसरी बात, मिट्टी में पोल होनी चाहिए। तीसरी बात, रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक का ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे नीम की खली या राख, या नीम की खली या राख नहीं है तो फिर आप कोई भी रासायनिक दवा तो ले सकते हैं, लेकिन उसका बहुत हल्का प्रयोग करें, ऐसा ना हो कि आपका जो पौधा है वो लगने से पहले ही सूख जाए। और उसके बाद वाटरिंग, तो वाटरिंग भी आपको नॉर्मल लगातार देखनी है। और केयर सबसे महत्वपूर्ण बात है, 3 से 4 दिन आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिला तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। तो धन्यवाद, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे फिर आप कमेंट कर सकते हैं और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।